बहुत ही आसान सवाल है. टू कार्ड्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस ए एंड बी. सपोज दिस इज अ प्लेस ए एंड दिस इज अ प्लेस बी. सो टू कार्ड्स दे आर कमिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर. ठीक है. एंड दे स्टार्ट्स एट द सेम टाइम 8:10 AM. यहाँ से भी गाड़ी 8:10 AM में निकली. ठीक है. तो आपसे क्या कहना चाह रहा है. दे स्टार्ट एट द सेम टाइम. ओके. इफ द स्पीड्स ऑफ अ कार आर 50 and 30 km/h रिस्पेक्टली दे विल मीट ईच अदर. ठीक है. सी यू शुड नो दैट टू कार्स दे स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर. इसका मतलब एक कार यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है और एक कार यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है. सो दे आर सर तो ये दूसरे के एक दूसरे के तरफ आ रही है दोनों कार. ठीक है. तो एक की स्पीड कितनी है. एक की स्पीड है 50 km/h और दूसरे की स्पीड कितनी है 30 km/h. एज यू ऑल नो द सेम डायरेक्शन वी सब्ट्रैक्ट द स्पीड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जो स्पीड हो जाएगी हमको ओवरऑल जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी 50 + 30. ओके. 50 + 30 विल बी 80 km/h. वाई दिस इज द फंडा यू शुड नो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके. ऑपोजिट डायरेक्शन तो डिस्टेंस तो 160 किलोमीटर है ही. तो अब यहाँ से टाइम बहुत ईजिली आ जाएगा. टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 160, स्पीड आ गई 80. कितना आ जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा. तो 2 घंटे बाद दे विल मीट. ठीक है. तो 2 घंटे बाद मतलब 8:10 आफ्टर 2 आवर्स दे विल मीट ना. आफ्टर 2 आवर्स मतलब 8:10 में आप 2 घंटे जोड़ोगे तो इट विल गोइंग टू बी 10:10. ठीक है. दे विल गोइंग टू मीट एट 10:10 AM. 10:10.